रवि बॉडी चार्ज क्लिनिक और लैब पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, लाखों का सामान हुआ बर्बाद। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई जैसे शहर में गुंडा राज, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए जिसको देखने के बाद आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ये घटना है 20 मार्च 2024 का, जोगेश्वरी वेस्ट ओशिवारा पुलिस के हद में आता है, जहां रवि बॉडी चार्ज लैब पर रात के तकरीबन 9:30 बजे सब कर्मचारी अपने काम को खत्म कर अपने घर जाने की तैयारी में रहते हैं। अचानक से हमला और जोर की आवाज से सभी लोग सहम जाते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही देखते हैं कि बाहर से जोर जोर की आवाज आ रही है, जहां 40 से 50 लोगों की संख्या में, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कि भीड़ में आए लोगों ने अचानक से लैब पर हमला कर दिया है, दरवाजा को तोड़ना शुरू कर देते हैं और अंदर से डरे सहमे रविशंकर जैसे तैसे अपने सभी कर्मचारियों को कॉल करते हैं और सभी को बुलाते हैं। सब लोग तकरीबन 30 से 40 मिनट में पहुंचते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं और महिलाओं के साथ भी अपशब्द और धक्का मुक्की करते, जिसमें एक महिला सीमा अग्रवाल के साथ धक्का मुक्की करते हैं, जिसके कारण उनका पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया। आज तक वह महिला बिना किसी के सहारे चल नहीं सकती है। ऑफिस में बैठे डॉक्टर ऋषिकेश सर्जन एंड फिजिशियन के ऊपर भी हमला किया गया, बाहर लगे सभी बैनर पोस्टर बोर्ड को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, कार्यालय और लैब के अंदर भी तोड़फोड़ की, जिसके कारण सारे सामान टूट गए। रवि में 100 डायल कर पुलिस में कंप्लेंट की। कुछ देर बाद पुसल आती है और मामले को शांत करती है और सेंटर को सील कर देती है। रविशंकर सूर्यवंशी पेशे से फिजियोथेरेपी का काम करते हैं और उनके सभी कर्मचारी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और मामला दर्ज करते हैं। और रात 1 बजे ओशिवारा पुलिस स्टेशन के नवनाथ शिंदे उप निरीक्षक और गणेश गाय के इंचार्ज रवि बॉडी चार्ज क्लिनिक और लैब को पूरी तरह से सील कर देती है। पिछले 5 महीने से ये सेंटर पूरी तरह से बंद है और सारे सामान सेंटर के अंदर है। सेंटर के मालिक रविशंकर पिछले 5 महीने से सरकारी दफ्तरों के बस चक्कर काट रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर सीनियर तक को लेटर पर लेटर दे रहे हैं। जहां हम बात करें कार्यवाही की, तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद थक हार कर रवि ने मीडिया से संपर्क किया और महाराष्ट्र की सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक गरीब आदमी को पिछले 5 महीनों से परेशान किया जा रहा है। ऐसे मामलों पर आखिर महाराष्ट्र की सरकार कब संज्ञान लेती है और अज्ञात हमलावर और दोषी पुलिस कर्मियों पर कब कार्रवाई करती है, अब ये देखने वाली बात होगी। घर से बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल इनको घर से बाहर निकालते हैं, इनके दोस्तों के साथ धक्का मुक्की होती है, मारा मारी होती है, इनको घर से बाहर निकाल के पुलिस ताला लगाती है। ये पुलिस का काम है, ये इस देश का कानून है, मतलब दिस इज नॉट द वे। आप जैसे ये कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे करवा रहे हैं सीधा सीधा पुलिस। अगर आपको ये लगता है कि हम वहाँ पे इलीगल हैं, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, ठीक है। आप हमें तो लेटर ऑन ये मालूम पड़ा है कि आप तो वहाँ आ ही नहीं सकते, हमें पहले ये बात मालूम ही नहीं थी, हमें ये बात मालूम पड़ी कि आप तो वहाँ आ ही नहीं सकते, उस जगह पे आ नहीं सकते, आपको कोर्ट ने बैन किया हुआ है। ऐसे लोग वहां पे आके दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेडीज को लेके आते हैं हायर करके, 200-400 रुपए लेडीज हायर करते हैं, वहां पंगा करते हैं। इतने लोग शिल्पा वहां पे ही रहती है, लाइक शी वर्क्स देयर आल्सो, तो काफी टाइम से ये लोग वहां पे है। और हम तो मतलब हम तभी आए तो उन्होंने इमीडिएटली हमें कॉल किया। और रवि तो वहां पे बहुत टाइम से, कितने टाइम, ऑलमोस्ट 3 साल से वो वहीं पे रह रहे थे। सो समबडी वांटेड टू कम, तो 3 साल तो वो थे नहीं वहां पे। एंड इवन इफ दे हैड समथिंग, तो एक नॉर्मल वे में, एक यू नो लीगल वे में वो अंदर आ सकते हैं। ऐसे देयर इज अ प्रोसीजर, इंडिया में प्रोसीजर है, कानून है। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह में कोई घुस गया है, बैठ गया है, तो उसके लिए कानून है। कम विद अ वारंट, कम विद अ मतलब कॉप्स के साथ आइए, ऐसा कुछ कीजिए। अब तो वैसा कुछ नहीं हुआ, दैट इज ओनली आई थिंक कि आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, चैनलाइज्ड वे में आना चाहिए था, अगर आपको आना ही था तो। सो दिस इज ऑल गुड, ठीक है। लास्टली आप आइए, शिल्पा वहां पे ही रहती है, लाइक शी वर्क्स देयर आल्सो, तो काफी टाइम से ये लोग वहाँ पे है। और हम तो मतलब हम तभी आए तो उन्होंने इमीडिएटली हमें कॉल किया। और रवि तो वहाँ पे बहुत टाइम से, कितने टाइम, ऑलमोस्ट 3 साल से वो वहीं पे रह रहे थे। सो समबडी वांटेड टू कम, तो 3 साल तो वो थे नहीं वहाँ पे। एंड इवन इफ दे हैड समथिंग, तो एक नॉर्मल वे में, एक यू नो लीगल वे में वो अंदर आ सकते हैं। ऐसे देयर इज अ प्रोसीजर, इंडिया में प्रोसीजर है, कानून है। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह में कोई घुस गया है, बैठ गया है, तो उसके लिए कानून है। कम विद अ वारंट, कम विद अ मतलब कॉप्स के साथ आइए, ऐसा कुछ कीजिए। अब तो वैसा कुछ नहीं हुआ, दैट इज ओनली आई थिंक कि आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, चैनलाइज्ड वे में आना चाहिए था, अगर आपको आना ही था तो। सो दिस इज ऑल गुड, ठीक है। लास्टली आप आइए, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? मैं क्या है ना, कोर्ट में है। देखिए अभी तक तो मुझे चार्जशीट भी नहीं मिली और मैं कोर्ट में गया था और कोर्ट ने तारीख दी है। हमें क्या करना है कि अगर ये नहीं करती है पुलिस, कुछ कार्रवाई नहीं करती है, तो हमें आगे तक जाना है, ताकि आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो। मेरा यही मानना है और लोगों तक यही है कि देखो डरो मत, जितना हो सके आप फाइट करो, अच्छी चीज़ें चीज़ों के लिए टाइम लगता है, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा।
तो और आप लोग का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है, हमने इसलिए मीडिया को बुलाया कि पुलिस तो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। और देखिए हम, मैं कोई चोर चक्का तो नहीं कि मेरे पास आओ और रात को मेरे साथ मारपीट करो। मैं एक अच्छा काम करता हूँ, समाज सेवा काम करता हूँ। तो ये है, मेरा यही मोटो है कि आप लोग जितना हो सके इसे फैलाएं और हमें सपोर्ट करें। और ये जो दंगा करने वाले लोग हैं ना, इनको अंदर जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये दंगा करने वाले कभी रुकेंगे नहीं, चाहे हिंदू हो तो मुस्लिम हो तो। उनका जो मोटिव रहता है, उनको प्रॉपर यही काम है, वो एक चैनल बना हुआ है कि वो जगह खाली कराने का जो काम है वो लोग वही करते हैं। ठीक है, इसमें किसी लोकल नेता से, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति से बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई सर मेरी। पता नहीं, यही तो देखना है, यही तो जानना है कि आप लोग अगर ये खबर फैलाएंगे तो किसके पीछे किसका हाथ है, वो आएगा ना, धीरे धीरे चीजें सब आएंगी। ठीक है, था तभी मुझे अचानक इनका फोन आया एंड ही वाज लाइक अब जल्दी आओ कर। तो तभी कुछ बताया नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ बताया नहीं, खाली बोला कि जल्दी आओ। तो मैं, शिल्पा और श्री, हम तीनों जन, हम लोग गाड़ी में, हम लोग वहां पहुंचे। हम जैसे ही पहुंचे तो उनका फिर से फोन आया कि जल्दी आओ करके, वो एकदम से चीख रहे थे। तो हम लोग जहाँ थे लोटस पेट्रोल पंप के उधर हम गाड़ी पार्क करके हम फटाफट उनके वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो जब पहुंचे हमने क्या देखा, इज अराउंड 4 men, दे वर पुशिंग द डोर, मतलब वो पुश कर रहे थे, एक साइड से 4 लोग पुश कर रहे थे और अंदर से खाली वो पुश कर, मतलब कि दे वर, ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ऐसे करके वो ये हो रहा था। और जैसे ही हम पहुंचे, हम तीन गर्ल्स पहुंचे, हम बीच में आ गए, तब जाके उन्होंने लाइक रोका। तभी ऑलमोस्ट डोर टूट चुका था, लाइक इट हैड गॉन अहेड एंड वो ऑलमोस्ट, उसकी कड़ी भी टूटी हुई है, उसके फोटोज है हमारे पास जहाँ पे उसकी कड़ी टूट चुकी है। तब तक जब हम पहुंचे तभी वो ऑलरेडी उन्होंने सारे बैनर सब तोड़ फोड़ करके, एक दरवाजा दूसरा दरवाजा सब तोड़ फोड़ करके वो अंदर आ चुके थे तभी तक। एंड देन हमने थोड़ा सा सॉर्ट करने का कोशिश किया, तो एक पुलिस को भी बुला लिया था, ये पुलिस इनको लेके गए वैन में और उनके भी एक दो जन को लेके गए। हम पीछे से गाड़ी में पुलिस स्टेशन गए, वहां पे कुछ कुछ ये हुआ, फिर रात को पुलिस वापस आए। एंड इनफैक्ट जब हम हमारे ये भी देने जा रहे थे टू द पुलिस, व्हेन वी वर गोइंग टू गिव आवर व्हाट इज दैट स्टेटमेंट्स, सो इट वॉज लाइक यू नो व्हाट वी वर सेइंग वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड करेक्टली। हम जो बोल रहे थे वो रिकॉर्ड हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। हम अगर बोल रहे कि देयर आर सो मेनी पीपल, अगर बोल रहे हम कि 10 12 15 जन या 50 जन है तो 2 3 जन, लाइक यू नो इट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड द वे वी वर सेइंग। तो ये सब हुआ था उस दिन एंड दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू से। और कुछ हुआ था इसके अलावा? आप लोग बताइए समस्या क्या है या प्रॉब्लम क्या है आपकी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार दिल से, कि आप लोग, आप हो तो हम लोग हैं। 20 मार्च 2024 और रात को 9:30 बजे 40 से 50 लोग आते हैं मेरा ऑफिस, इंक्लूडिंग 50 ladies, मेरा ऑफिस और मेरा क्लिनिक तोड़ फोड़ करते, मैं अंदर रहता हूँ। क्लिनिक कहाँ पे है? ये क्लिनिक मेरा आदर्श नगर में है, लोटस पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पे है। और मैं फिर पुलिस को कॉल करता हूँ और मेरे भाई साहब ऑफिस में बैठे थे, उनको बोला आप भी पुलिस के पास जाओ। और फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, पुलिस लेट आती है, इससे पहले मेरी टीम है, मेरे दोस्त है, सब परिवार जैसे हैं, तो ये इनको भी कॉल करता हूँ कि आ जाओ, मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो ये लोग आधा घंटा लगता है इनको आने के लिए, जब तक तोड़ फोड़ चालू थी। फिर मैं अंदर लॉक कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, मैं कितने लोगों को संभालूं। उसके बाद ये लोग आ गए थे, दरवाज़ा ऑलमोस्ट टूट चुका था, टूट ही गया था, मैं पीछे खड़ा था, पुश कर रहे थे करीब 7-8 लोग 10 लोग, मुझे तो पता ही नहीं। इन्होंने मुझे बताया कि यार बहुत लोग थे और वीडियो भी है हमारे पास, जैसा मैं आपको बाद में दूंगा। तो इन, ये लोग जब आते हैं तो इनके साथ भी हाथापाई होती, रुकते नहीं हैं, वो तोड़ फोड़ चालू रहती, रुकते नहीं हैं। और उसके बाद पुलिस आती है तब जाके थोड़ा माहौल ठंडा होता है। और इनको, इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा इनको चलने में इशू है, वो टाइम पे ये भी वहाँ मेरा एक्चुअली मुझे ऑन द टाइम मुझे पता नहीं चला कि मेरे लेग में फ्रैक्चर हो, लेकिन मुझे बाद में पता चला चेक करवाने से कि मेरा लेग फ्रैक्चर हो चुका है। मतलब इतनी धक्का मुक्की, आप बताइए वहाँ पे 50 ladies एंटर कर गई हैं, ट्रेस पासर है ना, 1 person who is staying there
वो जो वहाँ पे रहता है उसको आप धक्का मुक्का मार के 25-30 आदमियों को, 15-20 लेडीज को लेके आप तोड़फाड़ कर रहे हो, सब कुछ बदतमीजी कर रहे हो वहाँ पे। अगर वो कोई उसके दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तो मैं वहाँ आती हूँ, मेरे साथ भी धक्का मुक्की होती है, उसके स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की होती है, ऋतु है इसके साथ भी धक्का मुक्की होती है, सबके साथ धक्का मुक्की होती है। दिस इज नॉट द वे। अगर समझ लो, मान लीजिए ये जगह आपसे बिलोंग करती है, ये तो है ना, आपको तो कोर्ट ने वहां पे आने की इजाजत दी नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू कम देयर, है ना। हमने जिससे ये जगह खरीदी है, मतलब हमने जिससे ये जगह ली है, वो आदमी उस जगह पे लीगली रह सकता है, हम उसकी वजह से रह रहे हैं, हमने उसको पेमेंट किया हुआ है। ये काम, मतलब अगर हम इलीगल है वहां पे, ये काम पुलिस का देखना नहीं है, पुलिस ये काम कोर्ट का है। पुलिस को ये देखना है कि अब यहाँ पे कौन रह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैं वहां पे, ये वहां पे अवेलेबल है, तो पुलिस को ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा यहाँ रह रहा है, और कोई भी 50 जन आके किसी को तोड़फोड़ करके किसी के अंदर घर में घुस नहीं सकते। पुलिस का काम है दंगे को रोकना, पुलिस का काम दंगे को बढ़ाना नहीं है। वहां पे पुलिस उलझा ही कर रही है, पुलिस उनके साथ आ रही है, पुलिस हमें बाहर निकाल रही है घर से। ऑनर के, अगर उनका मामला ऑनर के साथ था, तो आप लोगों को भी इस तरह से उन्होंने मार, देखिए जो आदमी वहाँ रह रहा था, फॉर एग्जांपल हम कोई जगह लेते हैं रेंट पे, जगह लेते हैं या हैवी डिपॉजिट पे जगह लेते हैं, हम जो जो वहाँ पे रह रहा होता है हम उससे बात करते हैं, और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, हम तो आज तो रहने गए नहीं, 3 साल से हम वहाँ रह रहे हैं, हमारा वहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, हमारा वहाँ पे आधार कार्ड है, हमारे वहाँ पे सब है, हमारा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ऑफिस भी है, सब कुछ है, 3 साल से हम वहाँ पे है, तो 3 साल पहले से तो कोई आया नहीं, अभी अचानक से कोई भी आके तंगा फसाद करेगा, कैसे चलेगा मैम, आप बताइए मुझे। और रात को, वो भी रात को आ रहे हैं, और पुलिस 1 बजे रात को ताला लगा दिया आपको, हमें घर से बाहर निकालती है, रात को 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे के अंदर, मतलब 1 बजे 2 बजे रात तक चला। ओनर साथ में था या फिर अलग, कौन से समुदाय के लोग थे, कहाँ से आए? ये मुस्लिम, ओनर भी साथ में, ओनर भी साथ में, मुस्लिम समुदाय के लोग थे। कुछ मुस्लिम लोग ये जो है दंगा भड़काने को, इलेक्शन भी था अभी, क्या किसका क्या मेंटालिटी रही हो तो ऊपर वाला ही जाने, तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ये सब चीजें। एक्चुअली ऑनर इज नॉट टू सपोज कम देयर, वहाँ कानून के हिसाब से वो वहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर बैन है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ये बात हमको बाद में पता चली, हमें तो पहले पता ही नहीं। कोर्ट में केस, कोर्ट में मैटर है ऑलरेडी, देखिए जहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मुझे कहती है कोर्ट के सीमा तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, यहाँ पे जो आदमी रह रहा है तुम उसको आराम से रहने दो, जब कोर्ट ने ऑलरेडी ये कहा हुआ है, तो हु आर यू टू डिसाइड कि आप सीधा जाके 50 लोगों को जाके वहाँ मारा मारी करो, ये तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है ना। सेकेंड थिंग क्या होता है कि हम पुलिस को प्रेशर देते हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ, और आप अगर हम नहीं करेंगे तो हम आपके सीनियर के पास जाएंगे, आपकी कंप्लेन करेंगे। उसके बाद जब ये बात बोली जाती है, 3 दिन बाद हमारी FIR, पहले FIR ही नहीं लेते, FIR नहीं लेते, FIR नहीं लेते, हमारी FIR होती है। और इसमें हॉस्टेज पास का है, जो इन्होंने 452 सेशन, इन्होंने 7 सेशन लगाए, 9 सेशन लगाए सेक्शन, ओके। और इसमें सीधा है कि कम से कम 7 साल की सजा है, नॉन एबल है, नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा इनके लिए, मिनिमम दिस दैट इज अ मिनिमम पनिशमेंट फॉर ट्रेसपासर, दे आर द ट्रेसपासर, हम तो वहां रह रहे हैं, अगर कोई लोग वहां आते हैं वो ट्रेसपासर है उस जगह पे, तो उसके लिए मिनिमम 7 इयर्स इंप्रिजनमेंट है कानून के अंदर। 452 सेक्शन लगाया है, 342 सेक्शन लगाया है, 447 सेक्शन लगाया है, 323 सेक्शन, पुलिस सेक्शन लगा देती है पुलिस, लेकिन पुलिस इसका कानून फॉलो नहीं करती है, पुलिस क्या है, गुंडा है, गुंडा राज हो रहा है, आप बताइए गुंडा राज है ये। और अभी करीब मिनिमम 6 महीने होने को है, अभी तक कोई चार्जशीट भी उन्होंने नहीं दिया, चार्जशीट भी नहीं मिली, तो हमने क्या किया है, पुलिस अथॉरिटी कंप्लेन, हमने वहाँ पे ACP और जो IO है इनके खिलाफ सब हमने कंप्लेन किया है, हमने सब जगह लेटर डाला है, ACP को लेटर डाला है, DCP को लेटर डाला है, कमिश्नर को लेटर डाला है, एडिशनल CP को लेटर डाला है। ये सब में, हाँ ये देखो, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, पुलिस महासंचालक, मानवीय हक, मानवीय आयोग, अपर पुलिस, अपर पुलिस मींस का पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस, एडिशनल पुलिस, DCP, ACP और ये ओशिवारा पुलिस स्टेशन, एवरीवेयर हमने लेटर डाला है उसके लिए, कंप्लेंट के लिए,
कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। हमारा मुद्दा देखिए मेन क्या है, आज हमारे साथ हुआ है, ठीक है, हम सक्षम है, आप लोग से मिले जुड़े, हमने आपको बुलाया, आपने सारी चीजें की, आप लोगों तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। कल को गरीब से गरीब लोग, मजबूर लोग, नहीं, अगर इस आदमी के पास पैसे नहीं हो, इसका तो घर छीन लिया पुलिस मंत्री, ऐसे क्या किसी को किसी के घर में से निकाल के उसका घर छीन के बिठा देंगे? दिस इज नॉट द वे, इस देश का कानून कहता ही नहीं है। और जिनके साथ धक्का मुक्की मारपीट हुई है वो सब यही खड़ी है, तो आप प्लीज उनसे पूछ सकते हैं। आप बताइए, मार्च से अभी तक मेरी टांग रिपेयर नहीं हुई है ना, फ्रैक्चर हुआ है, टांग रिपेयर नहीं हुई है, अभी मैं लाठी लेके चल के आपको देख रहा है ना आपने, मैं कैसे चढ़ के आई, मतलब आप ये बताइए ये सब कौन पे करेगा, कौन जिम्मेदार है? पुलिस जिम्मेदार है, मेरी टांग ठीक नहीं हो सकती है, कितना भी पेमेंट कर दें वो, है ना? ठीक है, आप लोग ने एक एक करके बताइए वहाँ उस दिन क्या हुआ था।